नागौर की जज एलिजा गुप्ता को नौकरी से बर्खास्त करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एलिजा गुप्ता न्याय के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही है, तो वहीं लंबे समय से एक जज भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच निलंबित जज एलिजा गुप्ता और एक पुलिस अधिकारी का ऑडियो इस समय जबरदस्त वायरल हो रहा है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही एफआईआर दर्ज नहीं होने की वजह से फोन पर दिख रहा है। आइए आपको सुनाते हैं निलंबित जज एलिजा गुप्ता और पुलिस अधिकारी के बीच फोन पर क्या बातचीत हुई। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। हेलो रमेंद्र जी, इतना क्या खौफ हो गया आपको वकीलों का? अरे अरे नहीं नहीं, मैं घर में ड्राइव कर रहा था, मैं फादर साथ थे, एक्चुअली हॉस्पिटल लेके आया था उनको। आपने मेरे फादर का भी फोन ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया? नहीं नहीं, इतना हमने क्या कर दिया? नहीं मैम, आप जानती हैं मेरी क्या लिमिट्स हैं मैम, मैं तो बहुत निचले स्तर का आदमी हूं मैम, मेरे मेरे लेवल की कोई चीजें नहीं है मैम। आप तो पोस्ट पे तो आप बैठे हो ना, वो तो है। आपकी एक एफआईआर ने मतलब मेरी नौकरी खराब कर दी। नहीं नहीं मैम, इसमें सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट हूं मैम, और हमेशा आपका जो है मतलब प्रशंसा कर रहा हूँ मैम, मैं तो इवन मतलब इस सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट हूँ मैम, मैं अब क्या बोलूँ आपको मैं। तो मेरी एफआईआर क्यों दर्ज हुई? अब मैम वो तो आपको भी पता है कि क्यों नहीं हुई, क्या कारण थे उनके? मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को तो एपीओ करके इन्होंने वहाँ बिठा दिया सर। सर और मेरी रात को मेरे को टर्मिनेट कर दिया जी। अब आप बताइए मैम, मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप आदेश करें आप जो मैं मैं तो यही चाहूंगी ना कि एफआईआर दर्ज हो। सर सर अब उसमें ऑलरेडी कॉग्निजेंस लिया जा चुका मैम आपके द्वारा। वो कोर्ट मैटर अलग है ना, मतलब आपका काम क्या है कि आपको तो सिर्फ एफआईआर करनी है। जी जी जी, वो कोर्ट देखेगा ना आगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है वो देखेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना, आपकी इन्वेस्टिगेशन देखेगी आगे केस में क्या होता है। आपका मेन काम क्या होता है कि एक एफआईआर तो आप कर ही सकते हो ना जी। मतलब मैं तो अपनी नौकरी भी गवा दी सर। सर एक बार मैं बात कर लेता हूँ सर, मुझे एक बार अपने जो सीईओज हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ सर, एक बार मैं उनसे बात कर। ठीक है। तो सुना आपने कि किस प्रकार पूर्व जज एलिजा गुप्ता एसएचओ कोतवाली नागौर को फोन पर रोते गिड़गिड़ाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगा रही है। वहीं पर थानेदार साहब बार बार सिस्टम का हवाला देते हुए किनारा करते दिख रहे हैं। ऐसे में अब सरकारी मशीन की ढिलाई और लापरवाही को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि द नगरी मीडिया इस ऑडियो की सत्यता जांच के लिए एसएचओ कोतवाली नागौर से 3 बार फोन करके संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार रिंग पूरी जाने के बाद भी एसएचओ द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। हालांकि एसएचओ से अभी तक इस बारे में कोई संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में देखना होगा कि एलिजा गुप्ता के निलंबन का मामला और कितना तूल पकड़ता है और क्या एलिजा गुप्ता को न्याय मिल पाता है या नहीं। इसी से जुड़ी अन्य अपडेट पाने के लिए लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।